कॉफी विद करण। कॉफी विद करण वो शो है दोस्तों जो कि मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो है, मतलब कि बिग बॉस के बाद अगर कोई इतना बड़ा शो है जो कि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज और वो भी सितारों से जुड़ी हुई कंट्रोवर्सीज होती है तो लोग बड़े ही चाव से लेते हैं। हमने अक्सर देखा है कि कॉफी विद करण में या तो करण जौहर को ही रोस्ट कर दिया है होस्ट ने आकर, जैसे कि कंगना रनौत, या फिर करण जौहर ने बुरी तरीके से रोस्ट किया है बाकी के सारे जो फेलो कंटेस्टेंट्स आते हैं या फिर फेलो सितारे आते हैं। अब ऐसे में आप लोगों को बता दूं तो विद्या बालन ने डर्टी पिक्चर की सारी हदें पार करते हुए कुछ ऐसे सीक्रेट्स रिवील कर दिए, अपने बेडरूम सीक्रेट्स। मैं राहुल बोझ बताना चाहता हूं ये खास बात आपको एक फीफा फूज की इस वीडियो में। तो स्वागत है आपका फीफा फूज में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। यहां पर करण जौहर विद्या बालन से सवाल पूछते हैं कि आपको बेडरूम में लाइट्स ऑन रखना पसंद है या फिर ऑफ। विद्या बालन ने कहा मुझे हल्की रोशनी पसंद है। फिर करण ने सवाल पूछा कि बेडरूम में उन्हें म्यूजिक पसंद है या कैंडल्स। तो विद्या बालन ने कहा कि मुझे दोनों ही पसंद है और मुझे कॉटन बेडशीट बहुत अच्छी लगती है। फिर उसके बाद करण जौहर ने बोला कि आपको करते समय, मतलब कि हम बिस्तर होते समय, आपको क्या पसंद है, चॉकलेट, ग्रीन टी या फिर एक और राउंड। विद्या बालन ने मजेदार जवाब दिया और कहती है पानी, क्योंकि प्यास बुझाते बुझाते उन्हें और प्यास लगने लगती है। विद्या ने सारे ही सवालों के जवाब जो है बड़े ही बेबाकी से दिए थे और विद्या बालन सीरियसली करण जौहर शॉक हो गए थे, क्योंकि करण जौहर को ऐसा लगा होगा शायद कि विद्या बालन है और विद्या बालन जितना, मतलब क्योंकि विद्या बालन की ऐसी बोल्ड इमेज नहीं है एज फार एज वी नो, राइट। सिर्फ एक डर्टी पिक्चर में उन्होंने थोड़ा सा किया था ऐसा, बट विद्या बालन का ये जवाब सुनकर तो करण जौहर खुद बोल्ड हो गए और करण जौहर ने जो है क्लीन बोल्ड हो गए करण जौहर और करण जौहर हंसते हुए रह गए। ये वीडियोस आजकल वायरल हो रही हैं दोस्तों, तो मैंने सोचा कि आपको तुरंत बताऊं कि किस तरीके से डर्टी पिक्चर की विद्या बालन इस तरीके से बातें कर रही हैं। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलता हूं।